भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। विधानसभा क्षेत्र इंदौरा की विधायक रीता धीमान द्वारा सोमवार को भाजपा दफ्तर इंदौरा में 50 जरूरतमंद लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से चेक बांटे गए, जिसमें 7 चेक बीमार लोगों को दिए गए व 5 चेक दुर्घटना में हुई मृत्यु की एवज में प्रत्येक परिवार को 4,00,000 रुपए दिए गए। वहीं 38 चेक गरीब बेटियों की शादी की सहायता हेतु 5100 रुपए प्रति लाभान्वित को योजनाओं के तहत आवंटित किए गए। इस मौके पर विधायक इंदौरा रीता धीमान ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा गरीब लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे प्रदेश के हजारों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, जिसके चलते सोमवार को इंदौरा के 50 लोगों को विभिन्न योजनाओं के तहत चेक दिए गए हैं। ये कन्यादान योजना वाले चेक हैं, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमने करवाए थे। ये 38 चेक हैं आज जो बेटियों की शादी के लिए दिए हैं, और 7 चेक जो हैं मुख्यमंत्री राहत कोष में जो बीमार बीमार होते हैं लोग उनकी उनके बिल वगैरह थे, और 5 केस जो हैं वो दूसरे जो एक्सीडेंटल केस हैं जो सरकार के द्वारा राहत दी जाती है। इंसान जब चला जाता है तो कमी को तो कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन सरकार की तरफ से जो जितना हो सकता था सरकार। ये कितने पैसे एक चेक तो ये जो दिया ये मुख्यमंत्री का दिया? 5 लाख है, 4 है ना, पहले 2 है ना, पहले साड़ी सरकार ने कितना डबल, पहले तो 2। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए इंदौरा से अशोक ठाकुर।